Good morning, everyone. Last class, basically, we had started amalgamation in the books of new company, right? By the purchase method. Amalgamation में नई कंपनी के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्री होता है एंड देर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. अगर amalgamation इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा और amalgamation इन द नेचर ऑफ परचेज है तो परचेज मेथड लगेगा. पांच कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. अगर पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलेंगे amalgamation इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो उसमें पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे. बट अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है देन इन दैट केस वी से इट टू बी amalgamation इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है, व्हाट आर द दोस फाइव कंडीशंस? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी अग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी, राइट? 90% कम से कम. जो लोग भी इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार है उनको बदले में खाली शेयर मिला और कुछ भी नहीं मिला, कैश मिलने से नहीं होगा. सारा एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड कंपनी आर टेकन ओवर बाई द न्यू कंपनी, दैट टू एट बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू में नहीं. एंड बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी इज कैरिड ऑन बाई द न्यू कंपनी, राइट? सो आज हम लोग और एक सवाल करेंगे. इलस्ट्रेशन 8, दो बैलेंस शीट दे दिया, एक्स का वाई का, राइट? दोनों का शेयर कैपिटल इन थाउजेंड्स है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तीनों का अपना अपना नोट है. यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी है, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, देन करेंट एसेट है. नॉर्मल जो बैलेंस शीट होता है वैसे दिया हुआ है, राइट? मर्जर में हमको मालूम है, परचेज मेथड में क्या होता है? हम लोग यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कौन किसको खरीद रहा है. रीजन सरस में पूरा पोजीशन दे दिया, राइट? जनरल रिजर्व दिया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख ले रहे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पीपीई दे दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दे दिया, ये सब दे दिया. एक्स ने वाई को खरीदा है, तो एक्स ने वाई को खरीदा, मैं एक्स ने वाई का बिजनेस खरीदा है. बिजनेस खरीदा मतलब एक्स एक्स ओवर वाई, तो यहाँ पे वाई हो गया ओल्ड कंपनी, एक्स हो गया न्यू, राइट? बिजनेस खरीदा है मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खरीदा है और बदले में मैं तुमको परचेस कंसिडरेशन दूंगा. तो अगर मैं बैलेंस शीट देखूं, बहुत सिंपल है. ये पीछे वाला वाई है ना, वाई है, ये एसेट मेरा हुआ, ये एसेट भी मेरा हुआ, हाँ है ना? ये सारा एसेट मेरा हुआ, साथ ही में ये लायबिलिटी भी मेरा हुआ. ये रिजर्व एंड सरप्लस है किसका? इसका है, शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी. इसको हम न्यू शेयर इशू कर देंगे, बात खत्म. हाँ, लेकिन कुछ कुछ इसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व भी है.
उसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। आई हैव परचेज योर बिजनेस मीन्स आई हैव परचेज योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आज से सारा एसेट मेरा, सारा लाइबिलिटी भी मैं अज्यूम करूंगा। राइट तो सारे एसेट्स मेरे हुए, सारी लाइबिलिटी भी मेरी हुई। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर का है और इन शेयर होल्डर्स को नया कंपनी नया शेयर दे देगा। तो जो नया शेयर दे देगा पुराने वाले के साथ ऐड होके आएगा अलग से। इनकी जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको मैं सेपरेटली दिखाऊंगा, उसकी एंट्री मैंने बताई है क्या होगी। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। सिंपल फंडा है ये, बिजनेस आज से हमारा हुआ, इसके एसेट लाइबिलिटीज मेरे हुए, रिजर्व एंड सरप्लस पे हक शेयर होल्डर का होता है और इन शेयर होल्डर को नया कंपनी शेयर दे देगा, खत्म बात। अब इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है देखो नीचे नोट दिया हुआ है ना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों का दोनों स्टैट्यूटरी रिजर्व है। मेरा अपना जो है तो है ही, इन दोनों को मैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। इज इट फाइन एवरीवन? है ना? तो क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस शीट दे दिया मैंने, बिजनेस टेक ओवर किया है, किसका बिजनेस टेक ओवर किया? वाई का बिजनेस टेक ओवर किया, मतलब बदले में आपने मेरे को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दे दिया, मैं आपको परचेज कंसिडरेशन दूंगा। मैं 3.5 लाख शेयर दे रहा हूं 10 रुपए वाला तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर को, और 15% प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं 10% ज्यादा दे रहा हूं, मतलब ज्यादा शेयर दूंगा। खरीदने के बाद तुम्हारे डिवेंचर होल्डर को मैं अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दूंगा, कॉमन सी बात है। स्टैट्यूटरी रिजर्व को और 2 साल तक मेंटेन करना है, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्क्लोज करूंगा। बोलो जर्नल एंट्री करना है, ठीक है कर लेंगे। बैलेंस शीट बनाना है, दोनों करना है, ए भी करना है और बी भी करना है। तो हम लोग तो खाली परचेज मेथड ही सीखा है, मर्जर मेथड तो आप सिखाएंगे सर? बिल्कुल सिखाऊंगा। राइट
Is it fine? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे। बुला के ला दो। नहीं चल रहा। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को परचेज मेथड से कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो पूरा पेमेंट डिटेल दिया हुआ है ना, किसको कितना शेयर मिल रहा है। तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से आएगा। अच्छा, इसको तो हम 3.5 लाख शेयर दे रहे हैं और इसको हम 110% दे रहे हैं। है ना, 110% हो गया 1870। तो सॉल्व करने से आएगा 18,700 शेयर। चलिए,
नया कंपनी में इक्विटी शेयर मिल रहा है, साढ़े तीन लाख शेयर, दस रुपया वाला, 35 लाख को 30 कम करके लिखेंगे, नया कंपनी 15% वाला प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, गौर करिएगा, और इसके बैलेंस शीट में 14% वाला है, तो दो लाइन आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। सत्रह लाख का 110%, 1870। अगर वैसे देखेंगे तो 18,700 शेयर्स। इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, एक्चुअली में देखा जाए तो ये मर्जर मेथड का क्वेश्चन है। सारा शेयर होल्डर अगर अग्री कर गया, शेयर होल्डर को खाली इक्विटी शेयर ही मिल रहा है, कैश दे नहीं रहे, सारा का सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहा है, बुक वैल्यू में ट्रांसफर हो रहा है, और बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी विल बी डन बाय द न्यू कंपनी, ये अजम्पशन ले लेंगे। अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तो इस क्वेश्चन को मर्जर से ही सॉल्व करके आएंगे, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे, बट इस क्वेश्चन को हम लोग को बोला है दोनों से करने के लिए, परचेज से भी करने बोला है और मर्जर से भी करने बोला है। क्लियरली बोला है परचेज से भी करो और मर्जर से भी करो, तो यहां लिख लेंगे, इफ नथिंग मेंशनड वी विल फॉलो मर्जर मेथड एज ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दोस्त, हम लोग पहले पार्ट बी कर रहे हैं।
सबसे पहला। अच्छा, इसको इन थाउजेंड्स ले लेंगे। बींग सारा एसेट लाइबिलिटी खरीदेंगे, इसमें चिंगारी लगाएंगे। किसी का भी फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सारा का सारा बुक वैल्यू में निकलेगा। किसी भी का फेयर वैल्यू नहीं दिया है, सारा का सारा किस पे निकलेगा? बुक वैल्यू पे निकलेगा। लैंड प्लांट फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, इधर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा आपका डिबेंचर, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, लंबा लिस्ट है। फिर से मैं भूल गया। लैंड प्लांट फर्नीचर, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट। एक लाइन छोड़ दो। 13% डिबेंचर इन वाई लिमिटेड, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, टू बिजनेस परचेस, बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना कंपनी का वैल्यू क्या है? 1550। प्लांट का 1550, 1700। फर्नीचर, हाँ, इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेंटरी 950, 1030, 520। इधर में डिबेंचर 350, पुराना वाला। हाँ, 150। देखो डिफरेंस किधर आ रहा है।
कौन सा डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड? कैपिटल रिजर्व आएगा ना, क्रेडिट साइड कम हो रहा है। मतलब बैग में सामान ज्यादा निकल रहा है, ये सारा मेरा एसेट हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया, ये तीन। तो नेटो कितना आ रहा है? सिक्स सिक्स डबल जीरो से ये तीन लाइबिलिटी माइनस करो, ये माइनस ये तीन, नेटो आ रहा है 5750 और परचेस कंसिडरेशन है, तो परचेस कंसिडरेशन कम है ना, तो कैपिटल रिजर्व आएगा। परचेस कंसिडरेशन ज्यादा होने से गुडविल आता है, इट मींस यू हैव पेड फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, बट यहां पे आपने सस्ते का सौदा किया है। ये तुम्हारा 6600 आ रहा है, ये तुम्हारा 850 आ रहा है, तो नेटो तुम्हारा 5750, पीसी तुम्हारा 5370, तो 380 का कैपिटल रिजर्व। बींग एसे लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। वाई लिमिटेड का लिक्विडेटेड डेबिट 5702, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना? 3500 और 15% प्रेफरेंस, मैं तो कैपिटल में डालूंगा ना क्योंकि मैं इश्यू कर रहा हूं। तुमको प्रीमियम में दिया, मैंने अपना शेयर प्रीमियम में नहीं दिया, दोनों में देखो मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा। तुम को प्रीमियम में दिया तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा देना पड़ेगा, मैंने अपना शेयर प्रीमियम इशू किया, मतलब ऐसे ही वैल्यू, बट यहां तुमको मैं प्रीमियम दिया, मैंने अपना शेयर प्रीमियम नहीं दिया, मेरे अपने शेयर 100 ही है, इसे नंबर शेयर 17000 के का 18700 आया। बीइंग पीसी पेड देन नया डिबेंचर इशू कर दिया,
ठीक है, अब अलग से हम स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखाएंगे, हाँ है ना। क्या क्या है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक, और एक है इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व, 300 का टोटल में। इज इट ओके? पुराना कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस मैंने नहीं दिया, कोई इंटर कंपनी डेब्ट्स भी नहीं है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी नहीं है। बिजनेस परचेस कैंसिल हो जाएगा, लिक्विडेटर लिक्विडेटर कैंसिल हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाने में एकदम बेस्ट है जो मैंने लिखाया। सारा एसेट्स मेरे में आ जाएगा, लाइबिलिटी मेरे में आ जाएगा, उसका रिजर्व मेरा नहीं है, मैंने जो शेयर इश्यू किया वो आएगा मेरे में, और अलग से हम जो स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखाए। हालांकि इसको मैंने बताया था रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करना है, नया कंपनी का अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व नेगेटिव में, स्टैट्यूटरी रिजर्व पॉजिटिव में, अल्टीमेटली इसका नेट इफेक्ट जीरो आएगा। राइट, तो अभी हम लोग एक्स का बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि यहां पे एक्स का अपना फिगर दिया हुआ है। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड का, उसमें अलग से एक्स का फिगर, वाई का फिगर नहीं था, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स का अपना फिगर भी दिया हुआ है, और वाई ओल्ड कंपनी जो टेक ओवर किया वो भी मालूम है। तो अभी हम लोग बनाएंगे एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट पोस्ट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले शेयर कैपिटल बनाते हैं।
एक्स का अपना इक्विटी शेयर ऑलरेडी कितना है इश्यू किया हुआ, पचास लाख, मतलब पांच लाख शेयर इसका अपना है, प्लस साढ़े तीन ये जो इश्यू किया, तो साढ़े आठ लाख शेयर हो गया। इसका अपना 22,000 शेयर है, प्लस 18,700 ये जो इश्यू किया, और इसमें खाली अपना ही रिजर्व एंड सरप्लस आएगा इसका, उसका रिजर्व हमने नहीं खरीदा है, खाली स्टैट्यूटरी रिजर्व अलग से दिखाया है। गॉट माय पॉइंट? हाँ है ना। साढ़े आठ लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड, और यह आएगा 40,700। नहीं अलग अलग दिखाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, मेरा मिस्टेक हो गया। 22,000 वाले का 14% प्रेफरेंस शेयर है, और 18,700 वाले का इसका अपना जनरल रिजर्व आएगा, अपना पीएल आएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व मेरा और तुम्हारा मैं ऐड करके आएगा, क्योंकि हम तुम्हारा वाला अलग से दिखाया है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस अब खाली मेरा वाला आएगा, और अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अल्टीमेटली नेट इफेक्ट जीरो है। नेट इफेक्ट इज अल्टीमेटली जीरो। कितना आ रहा है? फिफ्टीन फिफ्टी, वन फाइव फाइव जीरो।
13% डिवेंचर मेरा तुम्हारा ऐड करके बताओ, मेरा कितना 500 है और 350 मैंने तुमको कन्वर्ट करके दिया। अब सब लाइन बाय लाइन ऐड होगा। ट्रेड पेबल तुम्हारा कितना है? मेरा 350। अदर करंट लाइबिलिटी टोटल कर लो। कितना आ रहा है? पीपी दोनों का ऐड कर दो, इंडिविजुअली करेंगे बट यहां पे अपन ऐड एक साथ कर दे रहे। कितना है? कितना कितना बोलो तो। नॉन करेंट मेरा कितना है? 1200। इन्वेंट्री 1250 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 1030। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओ आई फॉरगॉट, क्या गलती हुआ है बोलो तो। कैपिटल रिजर्व नहीं लिया, रिजर्व एंड सरप्लस में जो जनरल एंट्री में राइज हुआ था। CAT का कैपिटल रिजर्व लेना भूल गया। कितना आएगा? नहीं ये
ठीक है ना। मर्जर मतलब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नाउ जस्ट मैं आपको एक बार शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है ये एसेट इधर प्लस होगा ये वाला भी इधर प्लस होगा लाइबिलिटी नॉन करेंट रिजर्व एंड सरप्लस भी लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे मर्जर। और इसके लिए हम तुमको न्यू शेयर इशू करेगा। इससे तो एक बात साफ हो गया अगर हम उसका रिजर्व एंड सरप्लस को लाइन बाय लाइन ऐड कर रहा है तो अलग से वो एमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व करने का दरकार नहीं है। और यहां जो डिफरेंस होता है एसेट लाइबिलिटी रिजर्व तीनों खरीद रहा हूं तो डिफरेंस यहां गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं होगा रिजर्व एंड सरप्लस में ही एडजस्ट होगा। पीएल में राइट। तो इसमें बहुत इजी है कुछ नहीं करना। पॉइंट्स टू बी नोटेड खाली लिख लो। Along with asset and liabilities, reserve and surplus will also be incorporated. All adjustments will be done through profit and loss account. नंबर थ्री नो नीड टू शो सेपरेट जर्नल एंट्री फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। बस इतना बात याद रखेंगे अपना आराम से हो जाएगा। नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहां गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं होता।
आई एम सब बुक वैल्यू में। हाँ सारा रिजर्व खरीदेंगे, टू जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, सारा एसेट खरीदा हमने, सारा लाइबिलिटी खरीदा, रिजर्व एंड सरप्लस भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। मतलब यहां अगर अनार लगेगा बिजनेस परचेस का, एसेट तो निकलेगा ही, लाइबिलिटी भी निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी निकलेगा। बोल भैया, वैल्यू बोलो। हाँ हाँ फर्नीचर, जनरल कितना है? फाइव हंड्रेड। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है,
670 का आ रहा है क्या? अच्छा, ऊपर में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। कितना आ रहा है डिफरेंस? डेबिट साइड में आ रहा है। एक्चुअल में ये गुडविल होता, बट यहां पे मर्जर है तो सारे एडजस्टमेंट पीएल में होगा। क्वेश्चन में बोल दिया है। बीइंग एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड, along with reserve and surplus. रिजर्व का अलग से एंट्री नहीं होगा।
स्टैट्यूटरी रिजर्व का अलग से एंट्री नहीं होगा। खाली सेकंड वाला एंट्री में चेंज आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। वहां गुडविल कैपिटल रिजर्व आया था, यहाँ पे पीएल डेबिट बैलेंस। ठीक है चलिए नया बैलेंस शीट बनेगा। शेयर कैपिटल नोट वन ऑलरेडी बना चुका है हमने, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे। मेरा जनरल रिजर्व के साथ तुम्हारा वाला ऐड होगा, मर्जर मेथड है ना। एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अच्छा यहां गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं है, मेरा वाला के साथ तुम्हारा वाला वैसे भी ऐड होता था क्योंकि अपन परचेज मेथड में इसको अलग से दिखाते हैं। मेरा वाला कितना है ध्यान से देखना, तुम्हारा वाला भी ऐड होगा। अब एमलगमेशन के चक्कर में 750 का पीएल डेबिट बैलेंस अराइज हुआ है। हम दोनों का प्रॉफिट मिल गया। है ना कितना आ रहा है। कितना हुआ 19।
13% डिबेंचर कितना है? ट्रेड पेबल इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक कितना है? हाँ है टोटल ट्वेंटी ये वाला बस खाली मालूम होना चाहिए। ये ठीक है। अब टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट अबाउट ओल्ड कंपनी? टेक्निकली स्पीकिंग ओल्ड कंपनी का और कुछ नहीं हो सकता, लिक्विडेट। डिजॉल्व है ना, क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है।
हमने बिजनेस खरीदा, मतलब एसेट लाइबिलिटी तुमको दे दिया, बदले में तुम हमको पीसी दोगे और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो एक, दो, तीन, चार। नया कंपनी करने के लिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 रेलिवेंट होता है, लेकिन पुराना कंपनी को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे 1, 2, 3, 4 चारों रेलिवेंट होगा। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स। आर टू बी फॉलोड टू क्लोज ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओल्ड कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हम लोग को ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ओल्ड कंपनी का बुक्स करने के लिए अपन को दो ही चीज चाहिए, ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट प्लस पीसी का वर्किंग नोट। नया कंपनी कौन सा एसेट कितना में खरीद रहा है, नया कंपनी डिबेंचर को खरीदने के बाद क्या कर रहा है, नया कंपनी इंटर कंपनी डेब्ट्स को सेट ऑफ किया कि नहीं, नया कंपनी अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट किया, नया कंपनी जो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया उसका क्या किया, इन सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी से मतलब नहीं है। फर्दर एक और चीज, AS 14 डज नॉट अप्लाई ऑन ओल्ड कंपनी। इसका मतलब क्या मालूम है? मर्जर मेथड से अकाउंटिंग करे वो परचेज मेथड से करे, यहां पे प्रोसेस सेम है। वेदर न्यू कंपनी फॉलोस मर्जर मेथड, वेदर न्यू कंपनी फॉलोस परचेज मेथड, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। और यहां पे अकाउंटिंग एंट्री जन्म देने के लिए नहीं हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए है। वॉट एवर अकाउंटिंग एंट्री वी विल डू इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी दैट विल बी सेम वेदर इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, वेदर अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। पहला बात, नया कंपनी को देखना भी नहीं है। पुराना कंपनी का जो बैलेंस शीट है दैट्स इट, उसी से हो जाएगा हमारा काम। सामने वाला मर्जर मेथड हो, न्यू कंपनी, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ट्रांसफर रेस्पेक्टिव आइटम ऑफ बैलेंस शीट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यू। पुराना कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें जितना भी आइटम्स है उनको कहीं ना कहीं डालो, जैसे एक हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा। एक हम बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा। एक हम बनाएंगे कैश, इफ नॉट
टेकन ओवर बाई न्यू कंपनी। तो इस क्वेश्चन में तो नया कंपनी सारा एसेट खरीदा है, तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। रेस्ट ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में सब बुक वैल्यू पे। ठीक है, नंबर टू, पीसी ड्यू रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं DRD। हमको परचेस कंसिडरेशन किससे लेना है? न्यू कंपनी से। सो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। और ये परचेस कंसिडरेशन किस चीज के लिए मिल रहा है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए, जो मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया और वो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मैंने कहां डाल दिया? रियलाइजेशन में। तो जो पीसी लेना है, इट विल बी न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। रियलाइज नया कंपनी क्या देगा? इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, डिबेंचर इन न्यू कंपनी, कैश, ये सब हम डेबिट कर देंगे। टू न्यू कंपनी अकाउंट, नया कंपनी अपना शेयर देगा, अपना डिबेंचर देगा, कैश देगा। नया कंपनी शेयर दिया है, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, डिबेंचर इन न्यू कंपनी, कैश इन न्यू कंपनी टू न्यू कंपनी, ये सब अपना शेयर होल्डर के लिए दिया है। अब इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, जो जो आया इनको दे दो। इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, डिबेंचर इन न्यू कंपनी जो आया है वो भी शेयर होल्डर के लिए आया है, और कैश जो आया है एज इट इज, ये सारा का सारा एज इट इज पकड़ा दो। ठीक है, अब रियलाइज एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी।
कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे नया कंपनी नहीं ले गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, पे लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाई न्यू कंपनी। खाली ये प्रोसेस को रटना है, आज ही जाके दीवार में चिपका देना। ठीक है, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अब क्लोजिंग एंट्रीज कुछ नहीं करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में पहले, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, और इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस जाएगा कैश में, और कैश करेगा टैली। ठीक है, तो जनरली हमको 5 लेजर अकाउंट बनाने बोलता है ये लोग, प्रिपेयर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश अगर टेक ओवर नहीं हुआ है तो, क्योंकि ये वाला कैश तो आएगा और चला जाएगा, ये कैश तो आया इधर और यहां चला गया, इसके लिए नहीं बनाएंगे। अगर वो कैश टेक ओवर नहीं हुआ है, राइट, या अगर कोई एसेट रियलाइज हुआ है अलग से, या कोई लाइबिलिटी अलग से पे ऑफ हुआ है, लिक्विडेशन एक्सपेंस अलग से पे ऑफ हुआ है, राइट।
रियलाइजेशन अकाउंट और एक न्यू कंपनी अकाउंट। जनरली ये पांच बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन का कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी जो अपन किया, यहां पे खाली न्यू कंपनी का क्वेश्चन है। बट शो क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो ये वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट है, हमको मालूम है कौन सा किधर जाएगा। खाली हम वाई वाला कॉलम देखेंगे, एक्स देखेंगे ही नहीं। क्लोज ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी नीड वाइज बैलेंस शीट प्लस पीसी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक okay। वाई का बैलेंस शीट चाहिए और पीसी का वर्किंग नोट चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या क्लोज होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी है, जितना भी जनरल रिजर्व है, सारा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारा क्रेडिट बैलेंस है, इनको डेबिट करके शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इन सब का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इनको डेबिट करके शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया। उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चला गया, बुक वैल्यू, सब बुक वैल्यू। ठीक है, कैश नया कंपनी खरीद लिया, बनाने का दरकार नहीं है।
कैश भी रियलाइजेशन में जाएगा, सारा एसेट्स। सिक्सटी सिक्स हंड्रेड है इनका, तुम लोग अलग अलग लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट का सारा आइटम हम कहीं ना कहीं बैठा दिया, देखो आई एम नॉट लेफ्ट विथ एनी सिंगल आइटम। कितना है बोल दो तो फटाफट, गलत बताओ। ठीक है ना, एक्स लिमिटेड अकाउंट बनेगा। अब पीसी डीआरडी, डीआरडी मतलब ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां पे आएगा एक्स लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन 5370। हाँ है ना, तो रियलाइजेशन में आएगा बाई एक्स लिमिटेड पीसी ड्यू 5370। इससे लेना और यहां दिखाया, सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिया, सब बुक वैल्यू पे, कैश है नहीं सब में, बाकी सबको रिलेशन में डाला। अब ये करूंगा मैं डीआरडी न्यू कंपनी डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, और न्यू कंपनी से खाली यही दो मिल रहा है, ये दोनों नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। इस क्वेश्चन में ये दोनों नहीं है क्योंकि सारा एसेट ही टेक ओवर है। पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी नहीं है, क्लोजिंग एंट्री कर देंगे। बाय इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड 3500, बाय प्रेफरेंस शेयर इन एक्स लिमिटेड 1870। तो ये रियलाइज हुआ तो एक्स लिमिटेड क्रेडिट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयरहोल्डर में देखो तो एक टाइप से उसको ज्यादा पैसा दे दिया मैंने, ठीक है ना, ये तो ड्यू दिखा के रियलाइज हो गया, ये बराबर हो गया, इसमें कुछ काम नहीं है अब। ड्यू दोनों जगह आएगा, रियलाइजेशन में भी आएगा, क्योंकि दोनों अकाउंट ही हम लोग बना रहे हैं, जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें दोनों पोस्टिंग आएगा। ये जाएगा बाई रियलाइजेशन में 170, तो रियलाइजेशन में आया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 170। डन, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर वन। ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, इसको लॉस बोलेंगे, रियलाइजेशन लॉस हुआ है, क्योंकि नया कंपनी याद करो कैपिटल रिजर्व दिखाया था, याद है ना, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर टू है, कितना आ रहा है, फाइव फिफ्टी, कैश है नहीं बोल के ये यहीं पे टैली कर जाएगा। इज इट फाइन, बहुत सिंपल है, खाली प्रोसेस को फॉलो करके करना है। तो इलस्ट्रेशन फाइव को हम लोग होमवर्क में लेंगे, ओल्ड कंपनी, इलस्ट्रेशन फाइव का न्यू कंपनी मैंने लास्ट क्लास करा दिया था। इलस्ट्रेशन फाइव का ओल्ड कंपनी में ये सब इस्तेमाल होगा, पूरा प्रॉपर अपने को समझ में आएगा, कैश भी बनेगा क्योंकि वहां पे कैश टेक ओवर नहीं हुआ था, एक लाइबिलिटी भी टेक ओवर नहीं हुआ था, प्लस एक्चुअल लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वॉज 12,500, जिसमें 10,000 नया कंपनी दिया था तो 2,500 पुराना कंपनी भी दिया था, राइट? तो जस्ट ट्राई इट आउट एट होम, ठीक है, ओके बाय।